पुंछ के मोहल्ला गुरु निवास के लोगों ने म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ किया प्रदर्शन। उनका कहना है कि पिछले कई दिनों से उनके मोहल्ले में नहीं की गई सफाई, जगह जगह लगे हैं गंदगी के ढेर, जिस कारण मोहल्ले के लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। पुंछ से सनी शर्मा की खास रिपोर्ट। हर आए दिन म्युनिसिपैलिटी को हमें फ़ोन करना पड़ता है कि आप देख सकते हो पीछे कितना गंदा है। एक तरफ ये बोल रहे हैं कोरोना है, एक तरफ बोल रहे हैं ये। अब मुझे बताओ ये गंदे कहाँ जाएगा? ये हमारे घर के आगे गंद पड़ रहा है रोज। नीचे महल्ले के स्वीपर भी आके सुबह फेंकते हैं और उस महल्ले के भी आगे यहाँ फेंकते हैं। साथ में मेन बाजार का चौक है, यहाँ पर रोज़ सुबह म्युनिसिपैलिटी की बड़ी गाड़ी आती है। हमने उनको कितनी बार कहा कि आप जो बाकी गलियों का गंदा आप नीचे चौक में फेंको, ये नहीं सुनते। हर बार दो दिन चुप रहते हैं, तीसरे दिन आगे यहाँ फिर गंदा आ जाते हैं। म्युनिसिपैलिटी को कितनी बार हमने यही फ़ोन किया, बोलते हैं बंद कर देंगे। एक दिन गाड़ी आती है, हफ्ता गाड़ी नहीं आती, बताओ यहाँ क्या करेंगे हम। सर दो दिन से गंद पड़ा हुआ है ये, दो दिन पहले, तीन चार दिन पहले भी हमने फ़ोन किया था, वो गाड़ी आई आज सुबह से, गाड़ी धोवरी गई, यहाँ पे गंद नहीं उठाया गया। म्युनिसिपैलिटी से हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे डेली गाड़ी भेजें, डेली गाड़ी नहीं भेज सकते। सारे जो गंद है बाकी मोहल्ले के स्वीपर हैं उनको बोलो ये सारा गंद बाहर का यहाँ मत फेंके, साथ में मेन चौक है वहाँ जाके गंद। हर एक आदमी आता है इधर, यहाँ गंदगी देखो कितनी पड़ी हुई है। मेरी साथ में दुकान है, दिन में बैठ के काम नहीं कर सकते हम, इतनी परेशानी आती है, स्मेल है इसमें। उधर से तो बोलते हैं कि ये सफाई अभियान शुरू है जी, कहाँ सफाई अभियान शुरू है जी। ऐसे बात करते हुए यहाँ डीसी साहब बहुत अच्छे हैं, चेयरमैन साहब अच्छे हैं, ये फिर काम क्यों नहीं कर रहे? तो चाहते हैं कि सुबह दो बार गाड़ी आई इधर, लेकिन गाड़ी ने गंद उठाया ही नहीं इधर से। ये उधर का जहाँ कचरा पड़ा हुआ था वहीं पड़ा हुआ है,